हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टूडेंट्स हम लोग आज सीखेंगे लिनक्स के अंदर शेल का क्या इम्पोर्टेंस होता है, शेल किस तरीके से काम करता है, शेल के अंदर हम लोग किस तरीके से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम से, और इस डायग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि स्क्रिप्ट और जो शेल होता है वो क्या होता है एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो यहाँ जो आउटर आप लेयर देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर की, इन्हें हम मान सकते हैं एप्लीकेशंस। और यहाँ जो आपको ये पर्पल कलर का आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारा शेल। लिनक्स के अंदर, उबंटू के अंदर, फेडोरा या कोई भी आप लिनक्स से रिलेटेड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो, तो उसमें अलग अलग टाइप की शेल्स होती है। यहाँ ये माना गया है KSH, बैश और CHS नाम की तीन शेल हैं इसके अंदर। मेनली शेल का जो काम है वो काम है आपका इंटरप्रेटर के जैसा भी काम करता है। और शेल क्या होती है, शेल एक टाइप की सेट ऑफ कमांड्स भी होती हैं। तो पहला आप ये मान के चलिए कि ये इंटरप्रेटर के जैसा काम करता है। ये लिनक्स कर्नल को ये क्या करता है, कर्नल को मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करके देता है, और फिर कर्नल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर को बताता है कि भाई ये काम करना है। तो ये है इसका शेल का मेन काम। बाकी अब हम आ जाते हैं, वापस आते हैं हम लोग और देखते हैं शेल किस तरीके से हम लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से कमांड्स इसके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, VI एडिटर का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग शेल के प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये है हमारा टर्मिनल उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आप चाहें इसे विंडोज़ में चलाना तो विंडोज़ में भी आप इसे चला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर आपको उबंटू इंस्टॉल करना पड़ेगा, उससे पहले आपको WSL इसका इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कमांड है और वो पावर शेल में आपको चलाना पड़ेगी। तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये टर्मिनल हमारा उबंटू का है। सबसे पहले मैं कुछ आपको कमांड्स चला के बता देता हूँ कि ये कमांड्स किस तरीके से इसमें चलती हैं, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि ये कमांड मैंने कैलेंडर के लिए चलाई तो ये देखिए कैलेंडर प्रिंट हो गया, डेट के लिए चलाई तो ये डेट प्रिंट हो गया। और अगर आपको कोई फाइल बनाना है तो आप कैट और ग्रेटर देन का साइन लगा के आप कोई फाइल बना सकते हैं, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से आप फाइल बना सकते हैं। इसे मैं कर देता हूँ क्लियर। आ जाते हैं हम लोग शेल के ऊपर। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इसके अंदर अभी हम किस शेल में काम कर रहे हैं, अभी जो हम शेल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है। तो उसके लिए हम पता लगाएंगे, चलिए इको कमांड से। इको कुछ भी चीज़ रिटर्न करने के लिए यूज़ होता है। इको के बाद हम लोग लगाएंगे डॉलर और लगाएंगे शेल। शेल यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैपिटल में। तो ये देखिए इसने रिटर्न किया है बिन के अंदर बैश। अभी हम लोग बैश शेल में काम कर रहे हैं, बैश शेल के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे अधिकतर इसमें बहुत अधिक TCSH शेल होती है, CSS शेल होती है। C के लिए हम लोग CSS शेल यूज़ करते हैं। TCSH शेल जो होती है वो C++ के लिए ये होती है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं बैश शेल में काम कर रहे हैं। और जो लोग पुराने यूनिक्स के जानकार हैं उनको पता होगा कि पहले SH शेल भी चलती थी जो यूनिक्स में काम होती थी। अभी मोस्टली जो काम होता है वो बैश शेल में होता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट किसी का भी टर्मिनल यूज़ करेंगे किसी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप बैश शेल में ही काम कर रहे होंगे। फटाफट से आ जाते हैं हम लोग और बनाते हैं हम लोग अपना पहला स्क्रिप्ट का, एक शेल का एक प्रोग्राम। उसको बनाने से पहले हमको जाना पड़ेगा VI एडिटर के अंदर। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं VI एडिटर, और यहाँ हमको लिखना पड़ेगा vim, VIM कमांड। उसके बाद हम लोग डालेंगे एक प्रोग्राम का नाम। चलिए यहाँ मैं डाल देता हूँ demo1 नाम से, demo1.sh। .sh लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। .sh बताता है कि ये शेल का प्रोग्राम है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले आई दबाना है। आई दबाने के साथ ही आप इंसर्ट मोड पर चले जाएंगे। अगर आप सबसे नीचे बॉटम में देखेंगे तो आपको इंसर्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। चूँकि ये स्क्रीन पूरी कैप्चर नहीं हो रही है इसलिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहली जो लाइन होती है हमारी वो लाइन होती है, हमको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, और /bin/bash। आप किस शेल में काम कर रहे हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। अब ये चीज़ लिखना आवश्यक नहीं है,
कुछ किसी किसी टर्मिनल में आवश्यक होती है, लेकिन पहले ये लिखना आवश्यक होता था। तो अभी हम इसको लिख देते हैं। अगला, अगर आपको इसमें कुछ कमेंट डालना है तो आप कुछ कमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फॉर सैम्पल, ये मैंने एक कमेंट डाल दिया है, इसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है और ये कमेंट हमने डाल दिया है। उसके बाद मैं एक कमांड लिख देता हूँ क्लियर, यानी कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले जो पुरानी स्क्रीन होगी वो क्लियर हो जाएगी। चलिए यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर मैं लिख देता हूँ डेट, उसके बाद लिख देता हूँ कैलेंडर, और भी कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। चलिए एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ इको का, यहाँ मैं डाल देता हूँ हेलो फ्रेंड्स। Have tea. तो यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया है और इसके बाद, अच्छा इतना लिखने के बाद अब मुझे करना है फाइल को सेव। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखना पड़ेगी, अभी आप काम कर रहे हैं इंसर्ट मोड में, आपको दबाना है एस्केप। जैसे ही आप एस्केप दबाएंगे इंसर्ट मोड हट जाएगा, ध्यान से सुनेंगे आप, एस्केप दबाएंगे इंसर्ट मोड हट जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है कॉलन, जैसे ही आप कॉलन लगाएंगे ये सबसे नीचे पहुंचा देगा आपको। उसके बाद आपको लगाना है W Q और उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी का साइन और कर देना है आपको एंटर। जैसे ही आप ये कर देंगे आपको ये बाहर फेंक देगा। अब यहाँ आपको प्रोग्राम चला के देखना है कि प्रोग्राम कैसे चल सकता है। तो उसको चलाने के लिए दो तरीके हैं, पहला है या तो आप लगाइए sh, उसके बाद आप लिखेंगे अपने प्रोग्राम का नाम demo1.sh। तो ये देखिए प्रोग्राम आपका चल गया है। यहाँ हमने पहला लिखा था कैलेंडर, उसके बाद लिखा था ये डेट लिखा था, कैलेंडर लिखा था, उसके बाद हमने यहाँ पे इको कराया था एक चीज़ को, तो ये कर दिया है। अभी ये नॉट फाउंड क्या है ये हम लोग देखते हैं, वापस से हम लोग आ जाते हैं। और दूसरा जो तरीका है इसको चलाने का वो है डॉट लगाएंगे स्लैश लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे demo1.sh। तो ये तरीका, अब यहाँ पर ये परमिशन डिनाई करेगा, अगर आपको परमिशन डिनाई करे तो परमिशन के लिए आप लोगों को कमांड लगाना पड़ेगी chmod, और chmod के बाद आपको लगाना पड़ेगा प्लस एक्स, chmod प्लस एक्स, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम का नाम demo1.sh। इसके बाद अब अगर आप इस कमांड से प्रोग्राम चलाएंगे तो ये चल जाएगा। ये देखिए प्रोग्राम चल गया है, फिर से ये वही सेम चीज़ इसने रिपीट कर दी है। तो इस प्रकार से आप प्रोग्राम अपना चला सकते हैं। तो ये था हमारा एक प्रोग्राम को, एक सेल शेल की स्क्रिप्ट को कैसे रन करना है इसके अंदर, उसका तरीका। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जिन लोगों को विंडोज़ के अंदर आपको उबंटू अगर रन करना है तो सबसे पहले आपको पावर शेल खोलना पड़ेगा। पावर शेल आपको कहाँ मिलेगी, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, पावर शेल आपको लिखना पड़ेगा, विंडोज़ पावर शेल आपको यहाँ दिखाई देगा, आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको करना है। जैसे ही आप इसको करेंगे आपको यहाँ यस कर देना है, परमिशन दे देना है और आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट जैसा एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, आपको ये कमांड लिखना है इसके अंदर, ये वाली कमांड आपको इसके अंदर चलाना है। जैसे ही आप चलाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका WSL इनेबल हो जाएगा। थोड़े समय में इंटरनेट की आवश्यकता इसमें पड़ेगी आपको। WSL जैसे ही इनेबल हो जाएगा उसके बाद आपको करना है अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद आपको जाना है कहाँ, आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर और सर्च कराना है किस चीज़ को, यहाँ आपको सर्च कराना है उबंटू को। तो आप जैसे ही यहाँ पर सर्च कराएंगे उबंटू, आपको यहाँ पर ये उबंटू, ये कैनोनिकल ग्रुप लिमिटेड का है, इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। इसको आप इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद आप इसे रन करेंगे, उसके बाद आप उबंटू का जो टर्मिनल है वो आप विंडोज़ पर यूज़ कर पाएंगे। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है अगर आप इंस्टॉल करना ना चाहें उबंटू को अपने कंप्यूटर पर, उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि हम लोग शेल और ये सब स्क्रिप्टिंग मैं सीखूं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो ये आप इनेबल करके रख लें और इंस्टॉल कर दें, उसके बाद आप ये कमांड आप चला के देखें और अपना एक प्रोग्राम बना के देखें। अच्छा, जो कमांड मैंने बताया था उसमें आपको, जब कमांड हम लोग ख़त्म करते हैं, जब हम प्रोग्राम अपना ख़त्म करते हैं, तो प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद आपको ये कॉलन लगाना है। उसके बाद जैसे ही आप कॉलन लगाएंगे ये आपको सबसे नीचे पहुंचा देगा। उसके बाद आपको लगाना है डब्ल्यू क्यू के बाद आपको इंटर करना है। जैसे ही आप डब्ल्यू क्यू के बाद इंटर करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम का वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा और आप आ जाएंगे नीचे। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर बताता हूँ इसकी स्क्रीन को छोटा करके।
जिससे आपको दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम अपना फिर से लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, vim आगे फिर से कमांड लिखता हूँ demo1.sh अगर मैं लिख देता हूँ तो ये फिर से एडिट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये हमारा पुराना प्रोग्राम है। यहाँ मैं दबाऊँगा i, देखिए तो ये आपको दिखाई देगा इंसर्ट। यहाँ आप चाहें तो कुछ और भी चेंजेस आप कर सकते हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमको दबाना है यहाँ पर, जब आप पहले दबाएंगे आप एस्केप और उसके बाद एस्केप दबाएंगे तो इंसर्ट मोड आपका हट जाएगा। और जैसे ही आप कॉलन दबाएंगे तो ये देखिए कॉलन दबाने के बाद ही आप ये सबसे नीचे पहुंच जाएंगे आप प्रोग्राम के बाद, और उसमें आपको लगाना है WQ, कर देना है एंटर, आप आ जाएंगे बाहर। तो ये तरीका है इसको एक्सिट करने का और इस तरीके से आप लोग इसको बना के देख सकते हैं।